एक बल्लेबाज जिसने भारत के लिए टेस्ट में पहला शतक जड़ा, एक गेंदबाज जिसके नाम दिग्गज डॉन ब्रैडमैन को हिट विकेट आउट करने का रिकॉर्ड है, एक कप्तान जिसने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट सीरीज जिताई थी, वो खिलाड़ी जिसके नाम से भारतीय क्रिकेट आज भी टेस्ट मैच की नई गेंद की तरह चमक उठता है, वो खिलाड़ी जिसे आजाद भारतीय क्रिकेट टीम की कमान मिली और उसका नाम पूरे विश्व क्रिकेट में बड़े अदब के साथ लिया जाता है, उस खिलाड़ी का नाम है लाला अमरनाथ, जो आजाद भारत के पहले कप्तान थे। वैसे तो सीके नायडू, महाराज कुमार और इफ्तिखार अली खान पटौदी भारत के पहले तीन कप्तान थे, लेकिन हिंदुस्तान की आजादी के बाद टीम इंडिया की कमान संभाली लाला अमरनाथ ने। 11 सितंबर 1911 को कपूरथला में जन्मे लाला अमरनाथ का आज जन्मदिन है। उनका पूरा नाम नानक अमरनाथ भारद्वाज है। आइए सुनाते हैं उनके कुछ किस्से। 1947 में अखंड भारत के टुकड़े हुए, पाकिस्तान नाम का एक देश बना। आज भी दोनों देशों के बीच मुकाबला होता है तो वो रोमांच की सारी हदें तोड़ देता है। लाला अमरनाथ भारत के पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने पाकिस्तान को पटखनी दी थी। देश बटने के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान भारत के बीच स्थितियां सामान होने लगी। साल 1952 में उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराया। भारत के दौरे पर आई पाकिस्तान टीम की यह पहली टेस्ट सीरीज थी। 5 मैचों की सीरीज भारत ने 2-1 से जीती। इस सीरीज में भारत ने पहला और तीसरा टेस्ट मैच जीता, जबकि पाकिस्तान ने दूसरा और आखिरी के 2 टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुए। इस सीरीज से पहले भारतीय टीम ने 8 घरेलू सीरीज खेली थी, जिनमें से 7 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 15 दिसंबर 1933 को लाला अमरनाथ ने अपने करियर के पहले ही टेस्ट मैच में शतक जड़ दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मुंबई में लाला अमरनाथ ने मैच की दूसरी पारी में शतक जड़ा था। उन्होंने यह शतक बॉम्बे के जेंटील ओल्ड जिमखाना ग्राउंड में लगाया, जिसमें उन्होंने 185 मिनटों में 30 चौकों की मदद से 118 रन बनाए थे और सिर्फ 78 मिनट में 83 के स्कोर पर पहुंच गए थे। उन्होंने तेज गेंदबाज और स्पिनर्स सभी को धुना और 117 मिनट में शतक पूरा किया था। तब स्ट्राइक रेट मिनटों के हिसाब से कैलकुलेट होता था। उस समय तक भारत की ओर से किसी भी क्रिकेटर ने टेस्ट मैच में शतक नहीं लगाया था। इस मैच को इंग्लैंड ने जरूर जीता था, लेकिन शोर बस एक ही नाम का था, लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ स्टाइलिश बल्लेबाज तो थे ही, साथ ही आक्रामक गेंदबाज भी थे। एकदम सटीक लाइन लेंथ से गेंदबाजी करते थे। वो दुनिया के इकलौते गेंदबाज हैं जिन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन को हिट विकेट करने का कारनामा किया। 1947 में अमरनाथ ने ब्रिस्बेन टेस्ट के दौरान ब्रैडमैन को हिट विकेट आउट कराया था। अपने क्रिकेट करियर में 70 बार आउट होने वाले ब्रैडमैन बस एक बार ही हिट विकेट हुए थे। उस मैच में ब्रैडमैन ने 336 गेंदों में 185 रनों की पारी खेली थी। अमरनाथ ने 24 टेस्ट मैचों में 1 शतक और 4 अर्धशतक के साथ 24.38 की औसत से 878 रन बनाए, वहीं 32.91 की औसत से 45 विकेट भी चटकाए। उन्होंने 186 फर्स्ट क्लास मैचों में 10,000 से अधिक रन बनाने के अलावा 22.98 की बेहतरीन औसत के साथ 463 विकेट भी अपने नाम किए। अमर उजाला.com